आपने नरेंद्र मोदी जी के इंटरव्यू देखे? देखे वो जो चमचों वाले इंटरव्यू है, देखे नहीं देखे? वहां पे नरेंद्र मोदी जी बैठते हैं, चार चमचे आ जाते हैं, देखे आपने? कि अगर लोकतंत्र बचेगा, संविधान बचेगा, तभी चुनाव बचेगा। इसीलिए ये चुनाव हम साथ में लड़ रहे हैं, इस देश में चुनाव को बचाने के लिए। दिल्ली का जहाँ से कन्हैया जी खड़े हैं, ये 110% जीत रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। कारण मनोज तिवारी जी 10 साल से इस क्षेत्र में कुछ भी नहीं किए हैं, झूठ के अलावा कुछ नहीं किए हैं। पिछले 10 साल के अंदर 2014 से लेकर 2024 तक की अगर मैं बात करना चाहूँगा तो सिवाय हिंदू मुस्लिम के अलावा, पाकिस्तान के अलावा, बेरोजगारी के अलावा इन्होंने कोई बात नहीं करी। 2014 में एक आदमी 5 लोगों को गरीब आदमी खिला सकता था अपने परिवार को, आज 2024 में एक आदमी खुद खाना नहीं खा पा रहा है। ये कमाई का हाल है इस देश में। 2014 में लोगों कहते हैं कि विकास हुआ, विकास के नाम पे लोगों को ठगा गया है, गरीब आदमियों का पैसा अडानी अंबानी को दिया गया है। लड़ाई इस चुनाव में ये कॉन्स्टिट्यूशन की है, संविधान की है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोकसभा चुनाव से चुनाव लड़ रहे कन्हैया कुमार के लिए आज राहुल गांधी जो है दिलशाद गार्डन उत्तर पूर्वी दिल्ली का, यहां पर कांग्रेस की रैली है, प्रचार की रैली है, उसको यहां पर संबोधित करेंगे। उससे पहले यहां पर देखा जाए तो पूरा ये मैदान खचाखच भरा हुआ है। कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, इंडिया गठबंधन के तमाम कार्यकर्ता यहां पर लगातार आ रहे हैं। कांटे की टक्कर उत्तर पूर्वी दिल्ली में है और आज यहां पर राहुल गांधी जो है कन्हैया कुमार के लिए एक रैली को संबोधित करेंगे। कन्हैया कुमार के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी रोड शो किया है। ये मुकाबला बड़ा तगड़ा और दिलचस्प होने वाला है। दिल्ली के जो 7 सीटें हैं उनमें से 3 सीटें जो है वो कांग्रेस को गई है और 4 सीटें जो है वो आम आदमी पार्टी को गई है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का जहाँ से कन्हैया जी खड़े हैं, ये 110% जीत रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। कारण कि मनोज तिवारी जी 10 साल से इस क्षेत्र में कुछ भी नहीं किए हैं, झूठ के अलावा कुछ नहीं किए हैं और सिर्फ जुमलेबाजी करती है पार्टी करती है। कहते हैं 14,000 करोड़ रुपए हमने इस एरिया में खर्च कर दिया, जबकि 1400 रुपए का कहीं खर्च नहीं नजर आता है। तो ये झूठ पार्टी है, 10 साल से हम लोगों ने देखा है और इनसे हम लोग त्रस्त हैं। हमें बदलाव चाहिए और बदलाव में कन्हैया जी बहुत ही अच्छे ऑप्शन आए हैं। पढ़े लिखे इंसान हैं, बोलते हैं अच्छे खासे, पब्लिक के लिए, गरीबों के लिए सोचने वाले आदमी हैं, जो पार्लियामेंट में जाके आवाज़ तो कम से कम लगाए। हमारा क्या होगा वो बात की बात है, नहीं आवाज़ तो लगाने वाला चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास में अंधभक्त लोग हैं, वो जिनको जो पढ़े लिखे नहीं हैं वही उनके पीछे लगे हुए हैं कि हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए जो पढ़ने लिखने वाला है, जो न्यूज़ पढ़ता है, जो समाचार सुनता है, जो असलियत जानता है, सारे देश जानता है कि हर चीज़ अडानी अंबानी को दिए जा रहे हैं और बाकी गरीब देश गरीब हो रहा है। दोस्त इनके वर्ल्ड में नंबर आ रहा है, उनका नंबर 1 नंबर 2 पर आ रहे हैं। अडानी जो 105 नंबर पर थे, इनके शासनकाल में 2 नंबर पर आ गए और देश कहाँ से कहाँ होगा। महंगाई का हालत क्या है, बेरोजगारी क्या है, सभी को पता है। इसमें सालों में उन्होंने विकास तो कुछ किया नहीं, अब विकास उन्होंने किया नहीं। पब्लिक के लोग उनसे सवाल करें, उस सवाल को गुमराह करने के लिए उनके पास सिर्फ एक ही चीज़ है, हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान मंदिर मस्जिद, उसी में उलझा के रखते हैं ताकि कोई मुझसे सवाल ना करे कि 10 साल में विकास क्यों नहीं हुआ। दिल्ली की जनता नहीं बल्कि पूरे भारत की जनता का एक ही मत बनना है कि हमें महंगाई के खिलाफ, हमें भ्रष्टाचारी के खिलाफ, बढ़ते हुए अपराधों के खिलाफ, बढ़ते हुए बलात्कारों के खिलाफ हमें जुट होकर के सिर्फ इंडिया गठबंधन को वोट करना है। पूरा उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा आज एक तरफ है और वो है सीधा कन्हैया कुमार की तरफ। उसका कारण है कि 10 साल यहाँ पर मनोज तिवारी सांसद रहे, 10 साल में उनको 14,000 करोड़ रुपया मिला। 14,000 करोड़ रुपया इस क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने लिया, लेकिन वो 14,000 करोड़ रुपया उन्होंने कहाँ लगाया, किस जगह लगाया, कहीं कोई विकास दिखाई नहीं दिया। और अपने क्षेत्र के अधिकारियों को बड़े लेकर के कभी उन्होंने 10 साल में अपने क्षेत्र का दौरा नहीं किया। भारत सरकार की कोई अच्छी स्कीम इस क्षेत्र में लेकर के नहीं आए जिससे क्या गरीबों को रोजगार मिलता। केवल जुमलेबाजी, झूठ, फ्रेब, चाल, इसी पे चुनाव जीत रहे हो।
वक्त राहुल गांधी ने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात की कि जिस तरह से प्रधानमंत्री हर एक मीडिया चैनल को, गोदी मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं और वहां पर विकास की बातें तो वो कहीं पर भी नहीं दिख रही है, कहीं पर भी विकास की बात नहीं हो रही है। बीजेपी ने जो काम किए, सरकार ने जो काम किए, उसकी बातें नहीं हो रही। आपने नरेंद्र मोदी जी के इंटरव्यू देखे? देखे वो जो चमचों वाले इंटरव्यू है? देखे नहीं देखे? वहां पे नरेंद्र मोदी जी बैठते, चार चमचे आ जाते हैं, देखे आपने? उसमें नरेंद्र मोदी अलग अलग बयान देते हैं। उनसे पूछा, वो चमचे ने, एक चमचे ने पूछा, मोदी जी हिंदुस्तान में अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं, गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं, आपकी इस पे क्या राय है? नरेंद्र मोदी जी ने 30 सेकंड सोचा, फिर कहते हैं, क्या मैं सबको गरीब कर दूं? अच्छा देखो, कन्हैया है यहां पे। अब कभी कभी मेरे से मिलने आता है, बातचीत होती है, कभी कभी इंटरनेशनल रिलेशंस पे बात हो जाती है, कभी गरीबी पे बात हो जाती है। कन्हैया में अलग अलग लेवल की समझ है, यमुना पार की समझ है, किसानों की समझ है और इंटरनेशनल लेवल की भी समझ है। मगर अगर एक दिन कन्हैया मुझसे मिलने आए और मुझे कॉन्फिडेंस में लेके, सुनो, और मुझे कॉन्फिडेंस में लेके बंद कमरे में कह दे कि राहुल जी मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मुझे परमात्मा ने भेजा है, तो मैं कन्हैया से कहूंगा, हाथ जोड़ के कहूंगा, कहीं नहीं आ, ये बात तू बाहर मत कह दियो, गलती से भी ये बात बाहर मत कह दियो। मगर देश के प्रधानमंत्री चमचों के सामने इंटरव्यू में खुल के कहते हैं मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। जैसे आप सब हिंदुस्तान के की जनता, सारे जीव जो बायोलॉजिकल हैं, उनको नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि भैया आप सब बायोलॉजिकल हो, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मुझे परमात्मा ने ऊपर से भेजा है, मिशन के लिए भेजा है। कहीं ना कहीं मैं देखना चाहूंगा कि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो कहीं ना कहीं छोटी सोच रखते हैं, कहीं ना कहीं उनकी सोच का जो अल्फाज है वो बदलाव के रुख पे है, क्योंकि अब हिंदू मुस्लिम जाग चुका है। हिंदू मुस्लिम है क्या? अगर आप मेरे खून की बात करेंगे, अपने खून के अतुल भाई बात करेंगे, तो मिनिमम एक ही है। हम देश की बात करें, देश को, युवाओं को रोजगार देने की बात करें, आप देख सकते हैं कि एक भाई ढोलक बजा रहा है। अगर इसके पास रोजगार होता या किसी अच्छी पोस्ट पर ही होता है तो ये ढोलक नहीं बजाता, ये देश को चलाता। हमें आईएएस आईपीएस की जरूरत है, हमें नेताओं की जरूरत नहीं है, हमें आईएएस आईपीएस की जरूरत है। जो हमें लोकसभा का जो मंदिर है, जहां पर पूरी लोकसभा से पूरे हिंदुस्तान की रणनीति तय करी जाती है, भविष्य तय करा जाता है, हमें उस लोकसभा के, उस मंदिर के अंदर वो पढ़े लिखे युवा चाहिए जो हमारे और हमारे आने वाले नस्लों की बात तय करें और उनकी बातों को आगे पहुंचाने का काम करें। आज जो गठबंधन हुआ है, इंडिया गठबंधन जो हुआ है, वो संविधान को बचाने के लिए गठबंधन हुआ है। इसके अंदर हर एक पार्टी का नेता जुड़कर संविधान को बचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अब की बार 400 पार का जो नारा है वो सिवाय और सिवाय संविधान को मिटाने की बात करी जा रही है। बाबा साहब के जो सुनहरे अक्षर लिखे गए हैं उसको मिटाने की बात करी जा रही है, कलम को तोड़ने की बात करी जा रही है। हमारी आने वाली नस्लों को जो शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, स्कूल जहां से हम और आप पढ़ लिख कर अपने देश को आगे बढ़ाने की बात करना चाहते हैं, आज वहां पर उसको कत्लेआम करने की कोशिश करी जा रही है। 2014 में एक आदमी पांच लोगों को गरीब आदमी खिला सकता था अपने परिवार को, आज 2024 में एक आदमी खुद खाना नहीं खा पा रहा है। ये कमाई का हाल है इस देश में 2014 में, जो वो कहते हैं कि विकास हुआ, विकास के नाम पे लोगों को ठगा गया है, गरीब आदमियों का पैसा
अडानी अंबानी को दिया गया है, ये आज का हाल है। गोदी मीडिया है, इनको जीतने के लिए कोई काम इन्होंने किया नहीं है, हिंदू मुस्लिम के अलावा ये जीतने का कोई कारण है नहीं। और इस बार जनता समझ चुकी है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण में आ नहीं रही है ये जनता। जो मोदी मैजिक था आज के समय वो दिख नहीं रहा, पहले भी राहुल गांधी थे, आज भी राहुल गांधी है। और राहुल गांधी मोदी जी जिस चीज को लेके आए थे उसका हमेशा उल्टा ही करा है, उसका कोई फायदा नहीं करा, अपने वादों में अपने वादों में कभी खारे नहीं उतरे। और उन्होंने जो जो वादे किए थे आम जनता से, झूठ की खेती उगाई है, सिर्फ झूठ बोला है और झूठ का ही जुलमा दिया है। जनता बिल्कुल परेशान है उनसे, वो सिर्फ बदलाव चाहती है, वो चाहती है कि राहुल जी प्रधानमंत्री बने और जनता को साथ लेके चले, ना कि सिर्फ मोदी जी की तरह सिर्फ दो को अडानी और अंबानी को लेके चले, वो जनता को लेके चलेंगे। मोदी जी कहते हैं लखपति बनाएंगे, तुमने 15 लाख तो दिए नहीं, अब क्या लखपति बनाओगे? 10 साल मौका दे दिया है तो दे दूंगा पहले। वो कहते हैं नारी की सुरक्षा करेंगे, क्या सुरक्षा करी? मणिपुर जाके देख लो, दिल्ली में महिलाओं के साथ देख लो, पहलवानों के साथ क्या किया उन्होंने, किसानों के साथ देख लो क्या किया, क्या किया जो मतलब कहने को तो बहुत कुछ है, नहीं क्या गए उनसे। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।